हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस आज मैं बात करने वाला सीटीओ की सीधे एयर क्रॉस के बारे में, जिसका फाइनली जो है प्राइस रिवील हो गया है। यानी कि फ्रेंड ये हमें 9.99 लाख रुपीस से जो है हमें देखने को मिलेगी। हालांकि हमें फ्री वेरियंट्स के अंदर में ऑफर देखने को मिलती है, जिसके अंदर में यू प्लस एन मैक्स इस तरह से जो है हमें इसके वेरियंट्स देखने को मिलते हैं। एंड फ्रेंड इसके अंदर में 5 सीटर एंड 5+2 यानी कि 7 सीटर ऑप्शन के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिलती है। एंड जो 5+2 यानी कि जो 7 सीटर कन्फिगरेशन वाला वेरियंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर में प्लस एंड जो मैक्स वेरियंट है वही देखने को मिलेगा, जो कि हमें जस्ट 35,000 रुपीज़ इतना हमें प्राइस, जो कि हम इसके 5 सीटर वेरियंट से हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो अगर आप कह सकते हो कि आपको 35,000 रुपीज़ से 2 सीटें एक्स्ट्रा मिलेगी। एंड अब मैं बात करने वाला हूँ उसके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स के अंदर हमें जो इसका स्टार्टिंग प्राइस, जो कि हमें 9.94 लाख रुपीज़ से लेकर 12.34 लाख रुपीज़ के बीच में हमें इसके सारे वेरियंट्स देखने को मिलते हैं। एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें ड्यूल टर्न बैंड ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस हमें 27,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर वाइप पैक यानी कि हमें स्टाइलिंग पैक भी देखने को मिलेगा, जो कि आप 25,000 रुपीज़ में जो है बाय कर सकते हो। एंड साथ ही में फ्रेंड इसके अंदर हमें जो सीटीओ का हमें पैपी यानी कि हमें 1.2 लीटर जो टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि हमें 108 BHP के पावर के साथ 190 Nm के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि ओनली फॉर हमें सिंगल ट्रांसमिशन ऑप्शन है, क्योंकि हमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही जो हमें अवेलेबल देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर हमें एरआई सर्टिफाइड 18.5 km के जो माइलेज है वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो इस कार के बारे में इतने स्पेसिफिकेशन एंड फ्यूचर से वही देखने को मिलते हैं। एंड गाइस और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मेरे को न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।